नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से। सरीरा कस्बे के पवई गांव में झिंझिया जल विहार कार्यक्रम आयोजित किया गया। शरद पूर्णिमा के मौके पर लगभग 300 साल से झिंझिया जल विहार उत्सव का आयोजन हो रहा है। इस गाँव का यह सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। कार्यक्रम देखने के लिए दूर दराज के गाँवों से हजारों लोग पवई गाँव आते हैं। गाँव के बड़े तालाब में 2 दर्जन नौकाओं और ड्रम पर मंच बनाकर कृष्ण दरबार, कंस दरबार, पूतनावध, वकासुरवध, कालियानाग और भैंसासुर के अद्भुत स्वांग का रोचक प्रदर्शन किया गया। मंचन के दौरान कृष्ण और कंस संवाद ने समा बांधा। इंडिया खबर लाइव के लिए हमीरपुर से पंकज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत में झिंझिया की परंपरा सदियों से 300 वर्ष पहले से चली आती आ रही है और यहाँ मतलब इस कार्यक्रम में बहुत दूर दराज के लोग इकट्ठा होते हैं, पूरे गाँव का सहयोग होता है और कंस वध किया जाता है। इसमें अगासुर और बकासुर तमाम कंस के सूप में इनका वध किया जाता है और लास्ट में रात्रि में कार्यक्रम होता है। जैसे रावण वध होता है वहाँ और भी सॉन्ग के कार्यक्रम निकाले जाते हैं। इसमें पहला संदेश तो यही है कि हमारे जो गांव की एकता और अखंडता का प्रतीक जो हमारे क्षेत्र में दूर दूर तक जाता है, ये परंपरा सदियों से जो हमारे पुरखे बताते आ रहे हैं, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है और लगभग 300 साल से ये बताया जा रहा है। और जो आप देख रहे होंगे तरह तरह की झांकी यहाँ कृष्ण जन्म से लेकर कृष्ण वध तक, और जो रात्रि में कार्यक्रम होता है वो रावण की झांकियाँ दिखाई जाती हैं, उसमें रावण वध और रावण से संबंधित जो भी रामकथा होती है, और तरह तरह की रात्रि में भी पूरा रात्रि कार्यक्रम चलता है, दिन में भी कार्यक्रम चलता है। और यह आप देख रहे होंगे कि यहाँ बहुत बहुत दूर दूर से हमारे सारे गांव के रिश्तेदार और जानने वाले और आकर जो देखना चाहते हैं हमारे क्षेत्र, हमारे गांव की झिंझिया को। और ये गांव की झिंझिया शायद हमारे बुंदेलखंड में सबसे फेमस इस गाँव की झिंझिया है और हम प्रयास करते हैं कि इस कार्यक्रम को बनाए रखें जिससे कि हमारे इस गाँव का नाम दूर दूर तक जाता है।